भाई आपका आखिरी सवाल। डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक कौन सा है? डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जब हमारी हुकूमत 60% एक्सक्यूज करता तो तब कोई गैर मुल्की कर्जा लेने से पहले पार्लियामेंट की मंजूरी पहले जरूरी है, बाद में नहीं। अब आइए मैं दो दिन के बाद आ रही है, आप पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के तौर पर आईएमएफ को ये बताना जरूरी नहीं समझते कि ये डेट लिमिटेशन एक्सक्यूज ये आपका नहीं दे सकते। आपका सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए कहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये डील जो है, ये कर्जे जो है, नेशनल असेंबली में प्रेजेंट नहीं होंगे, सेनेट में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये इस मुल्क के अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम होगा। अर्शद को हूँ, अर्शद कौन है? अर्शद भाई I'm sorry, I can't answer many questions at once. Please do it one at a time. मैं ये कहूँगा, मैं दोनों के लिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया और जो सेलेक्टेड है, मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जिन्होंने सेलेक्ट किया, मैं उनको पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। आप सबका बहुत शुक्रिया।